हनुमान सिंह के हनुमान चालीसा की हम यहाँ तीन खास बातें बताने वाले हैं आपको, जो कि अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो आपको जान लेना ज़रूरी होगा। पहली बात तो पवन सिंह की जो ये हनुमान चालीसा है उसमें जो बांसुरी यूज़ हुई है वो रियल बांसुरी की धुन यूज़ हुई है। जी हाँ, पवन सिंह गाते हैं और रियल बांसुरी जो पीछे आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं बज रही है और हनुमान चालीसा शुरू होने से पहले भी बजती है, वो रियल बांसुरी है। एक्चुअली अब के जो एल्बम बनते हैं, अब के जो जितने भी गाने बनते हैं उनमें ज़्यादातर कंप्यूटर के ही जो म्यूज़िक रहते हैं वही यूज़ कर लिए जाते हैं, या फिर कंप्यूटर में ही जो फिर फिट म्यूज़िक रहते हैं उन्हीं के सहारे गानों पर उन्हें मिक्स किया जाता है और फिर गाने की इसी तरह रिकॉर्डिंग कर दी जाती है। लेकिन पवन सिंह की हनुमान चालीसा के साथ ऐसा नहीं है। जी हाँ, पवन सिंह के हनुमान चालीसा के साथ ये इसलिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें जो आप धुन सुनेंगे बांसुरी की फ्लूट की जो धुन सुनेंगे वो रियल है, ओरिजिनल है। और अब दूसरी बात ये, हनुमान चालीसा हनुमान भक्तों के लिए क्या है ये कोई हनुमान भक्तों से ही पूछो। लेकिन अगर हनुमान चालीसा को मुस्लिम्स भी पसंद करने लगे तो, जी हाँ, हनुमान चालीसा जिस वे में पवन सिंह ने गाया है उसे कई मुस्लिम्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने धुन यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि कई मुस्लिम्स हैं जिन्होंने ये कहा है, बेसिकली आई एम अ मुस्लिम बट आई लाइक पवन सिंह वॉइस, और जिस वे में उन्होंने गाया है सुनकर मन खुश हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात ये तो रही दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि पवन सिंह के ट्रीज़र को जो हनुमान चालीसा है उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। वो इसलिए भी क्योंकि जिस चैनल पर ये हनुमान चालीसा का ट्रीज़र रिलीज़ हुआ है वो चैनल एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी छोटा चैनल है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं। हनुमान चालीसा के ट्रीज़र के पहले इस चैनल पर कोई भी बड़ा वीडियो नहीं गया है। ये हनुमान चालीसा का ट्रीज़र और हनुमान चालीसा जो दोनों रिलीज़ होगी अपनी धुन चैनल को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। और इसी बात पर एक बात और जान लीजिए कि पहली बार हनुमान चालीसा में शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन सिंह का साथ दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह एक दूसरे से मिले तक नहीं है? जी हाँ, ये बात और है कि पवन सिंह ने अपनी अलग रिकॉर्डिंग की है और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी अलग रिकॉर्डिंग की है। शत्रुघ्न पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वही हाल पवन सिंह का भी है। एक बात और बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी इसकी बहुत तारीफ की है, साथ ही सोनाक्षी सिन्हा को इसके लिए क्रेडिट भी दिया गया है हनुमान चालीसा में। ऐसे जो लोग हमेशा सोनाक्षी सिन्हा को इसलिए ट्रोल करते हैं कि उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोनाक्षी सिन्हा पवन सिंह की हनुमान चालीसा के द्वारा लोगों का मुँह बंद कर दे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।